अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे, हमारी दुआ खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन चैनल, तो मैं हसन बनाजर हूं, मैं मुंबई को। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है छत्तीसगढ़ 16 नासा। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी छात्रा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। दरअसल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल नयापारा महासमंद की 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन इसरो नासा के संयुक्त सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के तहत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। इसरो के अभियान के लिए चयनित रितिका जहां खुद काफी उत्साहित हैं, वहीं छात्रा के माता पिता, ग्रामीण और जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा के इस उपलब्धि से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रितिका के इस कामयाबी पर न्यूज 24 संवाददाता ने रितिका से खास बातचीत की। अभी महासमुंद के रितिका ध्रुव जो इसरो और नासा का संयुक्त में एक उपग्रह की जो सर्च हो रहा है उसमें काम करने के लिए हमारे महासमुंद के स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो एक छात्रा है रितिका ध्रुव जो ट्रेवल्स इलाके से आती है उसका सिलेक्शन हुआ है। आज वो हम उसके साथ हैं। क्या सिलेक्शन हुआ, कितनी मेहनत किए, हम उन्हीं से जानते हैं। न्यूज 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रितिका। हम जानना चाहेंगे कि जो सिलेक्शन हुआ है किन चीजों में आपका सिलेक्शन हुआ है और कैसी मेहनत? मेरा सिलेक्शन SSERD की तरफ से जो प्रोजेक्ट चलाया गया ब्लैक होल ने साउंड कैसे प्रोड्यूस किया, तो इससे मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। रितिका कैसे मेहनत करते थे, कैसे पढ़ाई की आपने और गांव से होने के बाद आप यहां कैसे पहुंचे? मुश्किल होता था स्कूल और अपना सपनों के बारे में पढ़ाई करने के लिए, तो दोनों को मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट था। तो मैं अपने ड्रीम को मैं ज्यादा टाइम देती थी, तो इससे मेरा सिलेक्शन हुआ। आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे चल के एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ ताकि मैं नासा की तरफ से साइंटिस्ट में जो है वो मैं काम कर सकूँ। देख सकते हैं कि रितिका का जो सपना है, एक तो ये 16 साल की बालिका है और बालिका ने जो कर दिखाया है उससे महासमुंद, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में इसका नाम हो रहा है और ये लोगों की आज प्रेरणा बनी हुई है। उनकी माँ हमारे साथ है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कैसी है आपकी बेटी। मेरी बेटी अच्छी है और चुलबुली है। पढ़ाई कैसे करती है? क्या पढ़ाई अच्छी करती है? रात में जाग जाग के 11-12 बजे तक। आपने कभी सोचा था कि जिस बच्ची को आपके नाम से जाना जाता है अब उसके नाम से आपको जाना? ये तो सोचा नहीं था लेकिन हो गया। हमारे साथ उन्हीं के समाज के जो वरिष्ठ हैं वो भी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या मानते हैं आप कि जो बच्ची आदिवासी बच्ची का जो मुकाम तय हुआ है और जो उम्र है उसको किस तरह से देखते हैं? मैं रमाकांत ध्रुव जनपद सदस्य महासमुंद, और मैं तो चाहूंगा एक छोटा सा आदिवासी ग्राम गुरुडी और ये पूरा बेल्ट सिरपुर बेल्ट आदिवासी है और ये हमारे गांव के रितिका ध्रुव जिसने इस अपने नाम को तो रोशन किया ही है और उसके ऊपर हमारे समाज और महासमुंद छत्तीसगढ़ और भारत का नाम नासा और इसरो के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए चयन हुआ है इसके लिए हम बहुत बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं और पूरे समाज इनके उत्साह को देखते हुए पूरा इनका नासा जाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। देख सकते हैं कि रितिका की जो कामयाबी है वो ये सर चढ़कर बोल रही है। लोगों का कहना है कि एक बच्ची जो ट्रेवल्स से आती है और उसने जो कर दिखाया है वो अपने आप में ही पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। बता दें कि सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन के द्वारा 17 जुलाई को बिलासपुर साइंस सेंटर में एक परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें रितिका ने भाग लिया था और छत्तीसगढ़ से मात्र रितिका को सफलता मिली थी। अब रितिका 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2023 में श्रीहरिकोटा में प्रशिक्षण लेंगी। रितिका के इस कामयाबी पर जहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बधाई दी तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी छात्रा की तारीफ की। देखिए सभी बच्चों के पास प्रतिभाएं होती हैं और शिक्षा जो है उन प्रतिभाओं को उभारने का कार्य करती है। सभी बच्चों को वही शिक्षक पढ़ाते हैं, वही पाठ्यक्रम सभी पढ़ते हैं, परंतु किसी को अधिक जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है किसी चीज को, वो अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, उसको इस चीज में जिज्ञासा थी, इसको जानने के उसको प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण वो बच्ची विभिन्न जगहों पर जा करके मार्गदर्शन ली और अपने आप को इस काबिल बनाया कि उनका चयन हो सके। और जो 6 बच्चों का चयन हुआ है उनमें से ये बच्ची प्रतिनिधित्व सबका कर रही है। महासमुंद जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा आदिवासी बहुल्य गाँव गुटरुडी है। यहीं पर रितिका ध्रुव अपने माता पिता के साथ रहती हैं।
पिता एक छोटा सा साइकिल स्टोर चलाते हैं और माँ गृहिणी है। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। जी दोस्तों, वीडियो खत्म है। अच्छा आसन भाई, वीडियो बाकी काफी इंटरेस्टिंग और कमाल की थी यार, कि जो एक 16 साल की बच्ची, आप ये देखे कि कम उम्र है यार, इतनी ज्यादा उम्र तो ये नहीं है। और मेरे ख्याल में इसे एक तो ये तो साफ जरा कि इसने अपना नाम जो है ना, और इंडिया का नाम, अपने अपनी फैमिली का नाम और अपने छत्तीसगढ़ का नाम, और उसके बाद अपने मुल्क का नाम इसने रोशन किया है, वो तो साफ जरा है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में इसको नासा की जगह अगर इसको अपना मुल्क खुद वो इसरो में कोई देता जॉब, इसके जो टैलेंट है वो भी बेहतर होता, तो इसके टैलेंट को वो उसमें उस इस्तेमाल में लाते तो यो वो अपने मुल्क के लिए और भी ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। लेकिन खैर, इतनी जॉब मुल्क में भी फिर वो ढूंढना मुश्किल हो जाता साहब। देखो मुनादर भाई, इसकी वजह एक और भी है ना, आज देखेंगे कितने इंडियंस हैं जो कि अमेरिका में जाकर बैठे हुए हैं आला आला ओहदों पर, ऐसे ही है ना, सीईओस बने हुए हैं, तो वो एज ए इंडियन बात काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये किसी और कंट्री में जाकर किसी और कंपनी में जॉब करेगी तो उसका फायदा इंडिया को ही होगा, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल के दिनों में अगर कोई वहां पर इंडियंस होंगे तो उनकी हेल्प करेगी यार ये इंडिया। और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा भाई इस रोशन नासा की तरफ से बनेगी। ये अगर नासा में गई तो उसने नासा की तरफ से काम करना, उसमें इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया की वो लड़की, नाम तो इंडिया नहीं रहेगा यार, नाम तो इंडिया का होगा ना, ये लड़की किस किया किस कंट्री किया तो बोला जा रहा है। आप तो ये देख रहे, गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन ही है, लेकिन काम तो अमेरिका में करता है ना, नाम तो अमेरिका का ही है ना, भी वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, लेकिन है वो इंडिया है। इंडिया या वो कोई बोलेगा कहाँ से है, ये हिंदुस्तान से तलक रखता है, ये हिंदुस्तान से पढ़ के आया है, नाम तो हिंदुस्तान की रोशन होना। इसी तरह इस बच्ची का भी, ये चोरी जिधर भी होती है किस कंट्री का नाम बदनाम होता है, ये पाकिस्तानी है यार, तू किधर कंट्री चलती है तो वो अपनी कंट्री के लिए, वो अपनी कंट्री की सदारत कर रहा था, चाहे कोई आम आदमी हो चाहे कोई आला होते पे हो, तो ये अपने इंडिया का नाम। अच्छा, गुरबत जो है ना, गरीबी की रेखा जो है ना, गरीबी की रेखा, कहीं इनके ऐसे अदाकार भी हैं, कहीं इनके सियासतदान भी हैं, कहीं ऐसे और बच्चे भी हैं, कहीं सीईओ भी बने हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी हैं, वो गरीबी से तल्लक उनका शुरू से होता है। यकीन माने, ये जो गरीबी से ये जो बच्चा पढ़ता है ना, वो वाकई में ही कामयाबी की बहुत बड़ी कमी यार। आप इस बच्ची के हालात आप देख लो, उसका फादर जो वो साइकिलों की दुकान पे काम है, छोटी सी दुकान बनाई है, बच्चों को उसने ये प्रूफ किया हसन भाई, उसने जो है ना हालात का उस इस तरह डट कर मुकाबला किया कि हालात को उसने गुलाम बनाया, ना कि खुद को हालात का गुलाम। हाँ। और दाद भी बेटी को भी देने पड़ेगी। आप देखेंगे जिसने अपने माँ बाप की जो है इस मेहनत का नतीजा उनको दिया और बताया कि मैं आपकी मेहनत का फल मैं दे रहा हूँ। आज उसकी वालदा से वो पूछे, एक वालदैन से पूछे ना, उन्हें कितनी खुशी है, इतनी मुल्क वालों को नहीं खुशी जितनी उसे वालदैन को, उस्ताद जो जिससे पढ़ा उसको खुशी है। और हमारी तरफ से तो भाई वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट, इस फैमिली को भी और बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना वो इस पे प्राउड करती है। और हमारी दुआ लास्ट में हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के जिस तरह बच्चे तालीम में आगे निकल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और उनको उनका सिला मिल रहा है, हमारी दुआ इस तरह सभी बच्चे, सभी गरीब है या अमीर है, उसकी मेहनत के सिला उसे, हाँ उधर के एक मेहनत करने वाले के भाई जरूरत को सलाम है भाई, उनके वालदैन को सलाम है और उनकी कदर करने वाले मीडिया में है, तो हमारे यहाँ भी अल्लाह करेगा इस तरह होंगे तो वो भी अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए बेस्ट लक भाई, बहुत अच्छी है, बहुत एक नाम के बच्चे आने वाले वक्त में इंडिया का बुलंद करेगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये थी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।